हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में डिज़ाइनर टॉप की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी। यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो लिया है वो लगभग 1.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक है, 1.5 से 1.25 मीटर का फैब्रिक है। तो देखिए, मेरी वाली साइड बंद वाली साइड है। फैब्रिक की लेंथ जो है टोटल 43 इंचेस है। फैब्रिक डबल फोल्ड में है और एक बार फोल्ड करेंगे तो ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा है। अभी ये जो टॉप बनेगी वो 2 पार्ट में बनेगी हमारी। तो सबसे पहले जो ऊपर का टॉप पार्ट जो है वो हम यहाँ पे लेंगे 15 इंच। रेडी होगा ये 14 इंच का, तो 15 इंच पर मार्क करेंगे। 15 इंच पर मार्क करके एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है और उतना फैब्रिक हमें इसमें से कट कर लेना है। इसमें से हमारी टॉप पार्ट बन जाएगी। फैब्रिक को कट किया है, 4 फोल्ड में किया है। मेरी वाली साइड बंद वाली साइड है। बंद वाली साइड से हमें सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर आपका जो भी हो उसे डिवाइडेड बाय आपको 2 कर लेना है। ऊपर से 1/2 इंच एक लाइन ड्रॉ कर ली है फैब्रिक सीधा करने के लिए। तो शोल्डर के लिए 14 इंच पर, मतलब 14 डिवाइडेड बाय 2 करके 7 इंच पर मार्क कर लिया है। आर्म होल के लिए भी यहाँ पे मैंने 7 इंच पर मार्क कर लिया है। अब देखिए, चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। आपकी जो भी चेस्ट है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पर मार्क कर लूंगी। 40 डिवाइडेड बाय 4, 10 इंच पर मार्क कर लिया है। और जो बॉटम पार्ट है वहां पे लेना है वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। आपकी जो भी वेस्ट है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। तो 8.5 9 इंचेस पर मैंने मार्क कर लिया है। 36 जो है वेस्ट लाइन है, लूजिंग के साथ यहाँ पे है ये। तो देखिए, यहाँ पे जो डॉट्स है उसे कनेक्ट कर लिया है। मार्जिन की जो मार्किंग है वो भी कर ली है। 1.5 इंच की यहाँ पे मार्जिन ले ली है। तो देखिए, नेक की चौड़ाई कितनी लेनी है, 3.5 इंच नेक की चौड़ाई लेंगे। और नेक डीप यहाँ पे कितना रखना है, तो जो बैक वाला नेक है उसकी डीप हम कम रखेंगे और फ्रंट वाला नेक जो है लगभग यहाँ पे मैंने 4.5 इंच तक लिया है डीप। अब हमें क्या करना है, जो बैक वाला नेक है उसकी मार्किंग करनी है। बैक वाला नेक 2 इंच डीप रखेंगे। 2 इंच पर मार्क कर लिया है। आर्म होल स्केल की हेल्प से यहाँ पे नेक का जो शेप है ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट और बैक नेक के लिए दोनों शेप जो है ड्रॉ कर लेने हैं हमें। इस स्केल की यूज से ही आपको शेप जो है ड्रॉ कर लेने हैं। बैक नेक जो है ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, हमें क्या करना है, जो आर्म होल है हमारे, आर्म होल की मार्किंग करनी है। फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे और बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। और आर्म होल का शेप जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर 1/2 इंच जो है आर्म होल साइड में हमें डाउन कर लेने हैं, जैसे रेगुलर कुर्ती में या किसी भी टॉप में हम करते हैं वैसे। दोनों पार्ट यहाँ पे हमारे कट हो चुके हैं। ऐसे ही हमें लाइनिंग के फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अभी जो हमारा बॉटम पार्ट बनेगा उसके लिए फैब्रिक डबल फोल्ड में रखा है, जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है। ऊपर 14 इंच, टेप को 14 इंच ऊपर रखा है। और यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी 28 इंचेस पर। जो बॉटम पार्ट बनेगा वो 28 इंचेस का बनेगा हमारा। ऐसे 2 पीस यहाँ पे मेरे पास रेडी है रेक्टेंगुलर में, जिसकी लेंथ 14 इंचेस है और लंबाई में ये 26 इंचेस है लगभग। ऐसे 2 पीस है। अभी जो भी बचा हुआ फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्ड में रखा है। मेरी वाली साइड बंद है, सामने वाली ओपन है। इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ओपन साइड से 3 इंच पर मार्क किया है और ऊपर से स्लीव्स की जो कैप हाइट हम जिसे बोलते हैं वहाँ पे मैंने 1 इंच पर मार्क किया है। अब हमें क्या करना है, देखिए स्लीव्स का जो शेप है वो ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो, फ्री हैंड भी आप यहाँ पे स्लीव्स का जो शेप है वो दे सकते हो। अब स्लीव्स की लेंथ देखनी है, तो 13 इंच जो है लेंथ यहाँ पे रखी है। इसमें से हमारा बॉटम पार्ट जो है ऐड हो जाएगा। टोटल लेंथ यहाँ पे 13 इंचेस है। स्लीव्स का जो बॉटम है वहाँ पे मैं 6 इंच पर मार्क कर लूंगी। 6 इंच पर मार्क करते हुए दोनों पॉइंट्स को हमें कनेक्ट कर लेना है। फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमें गहराई देनी है, मतलब थोड़ा सा
अलग से हाफ इंच हमें उसमें ड्रॉ करके कट कर लेना है। स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है और जो स्लीव्स का बॉटम पार्ट है उसके लिए फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की लेंथ 6.5 इंचेस है और चौड़ाई इसकी जो है 21 इंचेस है लगभग। ऐसे दो पीस है, गैदरिंग बना के हम इसकी स्लीव्स जो है रेडी करेंगे। नीचे अस्तर रखा है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखा है। ये मेन फैब्रिक की सीधी साइड है और ये ऊपर वाली साइड उल्टी साइड है। नेक का जो पार्ट है उसे स्टिच कर लेना है हमें सबसे पहले। उसके बाद फैब्रिक सीधी साइड टर्न कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में नेक जो है हमने रेडी कर लिए है, नॉचेस लगा लिए है। सीधी साइड टर्न करेंगे, दोनों पार्ट्स को सीधी साइड टर्न करके हमें क्या करना है, टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं। नेक लाइन में टॉप स्टिचेस लगा लीजिए, उसके बाद जो आर्महोल पार्ट है उसे स्टिच कर लीजिए। पूरा जो अस्तर वाला पार्ट है उसे भी स्टिच कर लेना है दोनों पार्ट्स में। अब हमें बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो देखिए, जो भी बॉटम पार्ट है उसे सबसे पहले बॉटम साइड से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे गैदर्स मतलब जहाँ प्लेट्स ज़्यादा चाहिए तो आपको फैब्रिक ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जिनकी जो ये टॉप है उन्हें गैदरिंग्स कम चाहिए, ज़्यादा फुल फ्लेयर यहाँ पे उनको टॉप नहीं चाहिए, तो साइड से जितनी मार्जिन हमने ली थी उतना हमें सीधे स्टिच करते जाना है और बाकी के पार्ट्स में प्लेट लेनी है। देखिए, सेंटर से छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पे मैंने ले ली है। अब हमें स्लीव्स रेडी कर लेनी है। स्लीव्स का बॉटम जो है फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड और स्टिच कर लिया है। स्लीव्स ले ली है, स्लीव्स को सीधी साइड रखेंगे। बॉटम का मेन फैब्रिक और स्लीव्स का मेन फैब्रिक आमने सामने रखते हुए हमें ये पार्ट इसमें अटैच कर लेना है गैदरिंग करके। देखिए, गैदरिंग बना के यहाँ पे मैंने ये पार्ट अटैच कर लिया है। स्लीव्स यहाँ पे रेडी है हमारी। टॉप को शोल्डर से फिटिंग कर ली है। अब स्लीव्स जो है स्लीव्स का मेन फैब्रिक और टॉप का मेन फैब्रिक आमने सामने रखते हुए स्लीव्स हमें टॉप में अटैच कर लेनी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। स्लीव्स अटैच होने के बाद टॉप उल्टा रखेंगे और साइड से जितनी मार्जिन रखी थी उसी के अकॉर्डिंग फिटिंग कर लेंगे। अगर आपको गैदरिंग बॉटम साइड में गैदरिंग ज़्यादा चाहिए तो आप फैब्रिक ज़्यादा ले लीजिए 2 मीटर तक। सो गाइज, यहाँ पर रेडी है ब्यूटीफुल डिज़ाइनर टॉप। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।